ये बात सच है, वो कहता जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया, तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी फैक्चुअल कह रहा हूँ, सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात, हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। मोदी को ठीक है वो काफी रिलीजियस फनेटिक जरूर है, लेकिन उसकी भी आप वेल्थ देखें ना, वो उसकी भी उतनी है, 3 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है मोदी के पास, तो घर भी नहीं है। 3 करोड़ का की एसेट्स है उसकी भी, जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर की है। तो ये आप ये देखें ना, सीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फलस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए, ये ना गए। और ये सिर्फ बातें करने के लिए बैठे, इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला। ने खुदकुशी कर ली, किसी ने भाई को मार दिया, क्या ये हमारा पाकिस्तान इसीलिए बना था कि एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे हम, ये बिलों के हाथों जख्मी होंगे हम, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। हर चीज चाइना से आ रही है, अल्लाह ना करे आज चाइना बंद कर दे, खुदा की कसम पाकिस्तानियों आपको लग बता जाए। दोस्तों अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो देखते जाइए पाकिस्तान का क्या हाल करते हैं मोदी जी। अब इनको ये समझ में आ चुका है कि जो हमारे हाथ में भीग का कटोरा पकड़ाया था और जो हमारे इसको धमकियां देनी हमारी बंद हो गई हैं और हमारे हालात खराब हो गए हैं, ये सिर्फ तब से हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। अब इनमें इतना खौफ आ चुका है दोस्तों मोदी जी के नाम का कि ये सुन के इनका जनरल कर्नल जितने भी है ना वो सब भाग जाते हैं, किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की तरफ आज उंगली उठाने की। हाँ ये अलग बात है कि डर डर के छुप छुप के ये अपने आतंकी जो भेज रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत कम हो चुके हैं दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जबकि इनके देश के अंदर आए दिन आप देख रहे हैं ना जगह जगह तालिबान बम फोड़ रहे हैं। अब इनको ये हो रहा है कि भाई तालिबान को भारत पैसे देता है, पता नहीं देता है या नहीं देता है वो आप बताइएगा कमेंट्स करके, लेकिन इनके साथ होना तो यही चाहिए था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे देश को परेशान करके रखा था। 70 साल तक इन्होंने तंग किया दोस्तों, तब तक कांग्रेस की सरकार रही है, इन्होंने मिलकर दोनों ने देश को लूटा था, हमारे देश को भी। अब बारी इनकी आई है, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश के अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, आपको पता है कि बांग्लादेशी क्या सिनेरियोस है, तो आज जो बांग्लादेश के हालात हैं और बांग्लादेश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मोहम्मद यूनस सर, वो आने के बाद अभी जब बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां से निकाला गया तो उसके बाद वहां पर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए, मोहम्मद यूनस को बयान उन्होंने भेज दिया है। हमारे साथ उसने जो किया भोते अब कुदरत हमारा बदला ले रही है, 2 साल पहले उसने बांग्लादेश में जाके कहा कि देखा हमने हमें मुक्ति के जरिए पाकिस्तान को यहाँ से कैसे भगाया, आज उनको ये पता चल गया कि वो बकवास जो कर रहा था वो सही थी, मुखालफों ने हमें जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उस वक्त के गद्दारों ने भी कोई साथ देने में कसर नहीं छोड़ी। हमारे गद्दारों ने बावर्दी वालों ने भी और वर्दी के बगैर भी उन्होंने मोदी का हमेशा साथ दिया, आज तक कोई आप न्यूज सुन रहे हैं हमारा बिकाऊ त्वाइफ मीडिया बताता किसी को, अब कश्मीर की खबरें कहाँ गई हैं, अब बाउंड्री पे कोई फायर नहीं होते, अब सीज फायर हो गए हैं, LOC पे कहाँ गए हंगामे, वहाँ की जो दिन ब दिन पाकिस्तान को मार पड़ती थी वहाँ की खबरें कहाँ गई हैं। सर थोड़ी बहुत गलतियां तो हमारी भी हैं, देखें बांग्लादेश को सर, हमने उनकी जुबान को हमने कौमी जुबान नहीं बनाया, उनको राइट्स नहीं दिए, सच्चाई तो ये भी तो है ना सर, अब देखिए क्या हुआ जब 71 में उनके जो वहाँ पर नजायज कितनी औलादे हमारी हमारे बड़ों की जो वहाँ पर आजादी लेने गए थे, मैं नाम नहीं ले सकता। आपने सिर्फ एक वजह बताई जी, माशी तौर पे हमने बंगालियों के साथ जो सलूक किया वो बनता था, हमारा सारा इस्लामाबाद पटसन की स्मेल से बना हुआ, वो पटसन उस वक्त ऐसी आइटम थी जो पूरी दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश प्रोड्यूस करता था। सही बात है, हमने उनके पैसे खाए और हमारा अपना इस्लामाबाद बनाया, हाँ जी बनाया, हमने कम जुल्म किया उनके ऊपर, तो वो तो अलग तो नहीं था सर, जुल्म करेंगे तो बिल्कुल आप उसका रिएक्शन आया तो अब आपको चीखे पड़ेंगे और चीखे सुनाई देंगी। यहाँ पर अभी देखते हैं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह, नरेंद्र मोदी वो वैसा, सर आज आप देखेंगे तो उनका मुल्क माशर्ती तरक्की के उस बुलंदियों पर जा रहा है जहाँ पर वो ऊपर से हमें देखता तो हम इतने से भी नजर नहीं आते, इतनी वो तरक्की कर चुका हुआ है, वो अब हमारे बारे में बात ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो कहाँ चले गए, अगर माशर्ती बात करें एक फैक्चुअल बात करें जज्बाती बयान बात करूँ तो ये बात सच है, वो कहता जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया,
तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी फैक्चुअल कह रहा हूँ, सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं, इन्होंने बस शो केस में रख कर रखा हुआ एटम बम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है, हम यंग जनरेशन को धोखे में रखते हैं, सच नहीं बोलने देते। इंडिया देखिए अपने हीरोज की रिस्पेक्ट करता है तो उनके मुल्क में हीरोज भी पैदा होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने हमें एटम बम बना के दिया, इन्हीं सड़कों पे माल रोड के ऊपर बसीर मर गया वो बंदा, कहता कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की है, इस मुल्क को इस कौम को एटम बम बना कर दिया। हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हीरोज पैदा होंगे? जुमला बोलो आप, थोड़ा बोल ज्यादा बोल रहे सर, आप पूरा कर दें। लोहारों को एटम बम बना कर देगी, उसको तो वेल्डिंग का काम कर रहे थे जब वो एटम बम बना रहा था, उसके साथ हमने कुत्तों वाले किए, उसके जनाजे पे हमारा कोई पॉलिटिशियन सर शामिल नहीं हुआ, ज्यादा नहीं पड़ा उसका। हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया, सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को जरूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करिए, वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया, फलस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फलस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए, ये ना गए, और ये सिर्फ बातें करने के लिए बैठे, इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला, अब चले जाओ। इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों नून लीग वालों आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा उस असूल के तहत देखो। सुने हम जिन परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा तो तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर दो, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैटवॉक शुरू करा दी, और सितम जरीफी देखो, रामायण गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में क्या वो रामायण पढ़े वो गीता पढ़े, कहां हुआ है? सऊदी अरब में, और कहां हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को? इंडिया में ये तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का, जैसे आपने जिक्र किया वो और शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर बाय द वे, और इसके जमाने में मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी कोई डबल हो गई है, इकोनॉमी 3.74 ट्रिलियन टच करने वाली है। और अच्छा उसके साथ जो है, इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर, हम मोदी को ठीक है वो काफी रिलीजियस फैनेटिक जरूर है, लेकिन उसकी भी आप वेल्थ देखें ना, वो उसकी भी उतनी है, 3 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है मोदी के पास, तो घर भी नहीं है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा जो है वो कोई इमिनेंट पोजीशन पे पहुंच सकता, नहीं इमेजिन कर सकते ना, यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है।